हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे और इनमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आज हम बना रहे हैं दही पपड़ी या पताशी चाट। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ, ये दो आलू ले लिए मैंने उबले हुए मैश करे हुए। ले लेंगे हरी वाली चटनी जिसको बहुत ही चटपटा बनाएगी। ले लेंगे इमली वाली चटनी और ले लेंगे दही फेटा हुआ, थोड़ी सी बारीक नमकीन, जीरो जीरो वाली नमकीन और थोड़ा सा धनिया पत्ती। और आलू में हम डाल लेते हैं मसाला। तो मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा कमती डाल सकते हैं मसाला। नमक, थोड़ा सा काला नमक भी मैं इसमें डालूंगी तो इसके स्वाद को और बढ़ाएगा। और डाल देंगे हींग पाउडर, एक चुटकी डाल रही हूँ। सभी को डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ ये भी डाल देती हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आलू का मैंने मसाला बना लिया है और ये ले लिए मैंने पताशी। पताशी कैसे बनाते हैं ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और चटनी की रेसिपी, दोनों तरह की चटनी की रेसिपी, वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूंगी। इस तरीके से पताशी में छेद करेंगे और इसमें भर देंगे मसाला। आप ज़्यादा कमती अपने हिसाब से भर सकते हैं। सभी पताशियों को इस तरीके से भर लेंगे। सभी पताशी को छेद वो होल करके मैंने इसमें आलू भर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी जो इसके स्वाद को बहुत अच्छा बना देगी। सभी में इसी तरीके से ग्रीन वाली चटनी फिल कर देंगे। अब डाल देते हैं इमली वाली चटनी भी, थोड़ी थोड़ी सी। खट्टी मीठी चटपटी चाट बहुत ही अच्छी लगती है पताशे की। फेमस स्ट्रीट फूड है जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। डाल देंगे अब ये फेटा हुआ दही भी सब में। अब डालेंगे इसमें मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च में डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूंगी, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, हल्का सा डालना है। और हल्का सा काला नमक भी डालना है। और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें भुना हुआ जीरा, ये इसके स्वाद को बहुत ही अच्छा बना देगा, एकदम अच्छा फ्लेवर कर देगा इसका। डाल देते हैं ये बारीक नमकीन, जिसके बिना इस बताशे का स्वाद अधूरा होता है। बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और सजा देते हैं थोड़ी थोड़ी सी धनिया पत्ती से। तो बनकर तैयार हो गई है हमारी चाट। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाकर देखिए इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव कि आपको ये कैसी लगी और आपकी ये कैसी बनी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।